अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस एस किचन। मैं वेज पुलाव की रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं और कैसे ये बना है, तो चलें जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 कप ऑयल और उसमें मैंने 1 प्याज ले लिया है थिन स्लाइसेस में कटा हुआ, और उसे अब हमने थोड़ा सा इस तरह से कुक करना है। और बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहें कि ताकि इवनली सबके ऊपर कलर आ जाए, ये ना हो कि कहीं से प्याज ब्राउन हो और कहीं से थोड़ी वाइट हो। तो अब यहाँ पे इसी स्टेज पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। और पानी ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि ये प्याज मज़ीद और ना जले और ये सॉफ्ट हो जाए। और इसी के दौरान हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। इसे भी हम थोड़ा मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टमाटर ले लिया था, या 2 छोटे टमाटर ले लें, उनको मैंने छील के काट लिया है, तो हम वो भी इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यहीं पे ही हमने नमक भी डाल देना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हुई थी, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और अब ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बादियान के फूल ले लिए थे, 4-5 लौंगे और 8-10 जो है मैंने काली मिर्चें ले ली हैं साबुत, तो ये हम इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले। और इसके बाद इसमें हमने यहाँ पर 1/2 कप मटर ऐड कर देना है। और यहाँ पे आलू भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1 बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, क्योंकि मैं 1/2 किलो चावल का रेशो आपको बता रही हूँ, मैं ये 1/2 किलो का पुलाव बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से आपने इतने ही वेजीज लेने। और यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का जो लंबा वाला बैंगन होता है वो मैंने ले लिया था, यानी समझे 1 कप बैंगन, अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो, उनको भी क्यूब में काट लिया और वो मैं इसमें डाल दूँगी। टोटल इतनी ही सब्ज़ी इसमें जा रही है, आप चाहें तो इसके अलावा ज़्यादा वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बस यही डालनी थी तो मैं यही इसमें डाल रही हूँ। और अब इसकी भुनाई हो जाने के बाद, मेक श्योर अच्छे से भुनाई हो जाए, उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा और, यानी कि टोटल मैंने इसमें 1 लीटर के बराबर पानी ऐड किया है। और इसी में जो है हमने सब्ज़ी को गलाना भी, और यहाँ पे मैं चावल जो लिए हुए हैं मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे चावल हैं और बासमती राइस के नाम से यहाँ पर मिल रहे हैं। आप अपने घर के पास जो भी आपके स्टोर हो उसमें अच्छे से चावल जो भी आपको मिलते हैं बासमती राइस, आप वो ले लें, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। और यहाँ पे बीच में जो है मैं इसको भी वक्त से चेक करती रहूँगी, जब हम देख लेंगे कि आलू और सब्ज़ियाँ जो है गल गई हैं, उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने 1 लीटर शामिल किया था, लेकिन सब्ज़ियाँ कुक हो गई उसी में, तो लाजमी बात है पानी भी कम हो गया है। और तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल ये सब्ज़ियाँ इसमें उबली हैं, तो अब इसी दौरान जब पानी कम हो गया तो मैंने 1 मग और डाल दिया। और अब यहाँ पर हमने 20 मिनट भिगोए हुए चावल, आप जो चावल यूज़ करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसको 20 मिनट ही भिगो, आप उसको 1/2 घंटा भिगोते हो, 10 मिनट भिगोते हो, ये आप पर है कि आप लोगों का चावल कैसा है। तो मैंने ये देखें, अब ये चावल ऐड करने के बाद अब ये बबल्स जो इसमें आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हैं कि अब इसका जो ये पानी है वो काफ़ी कम हो चुका है। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये बबल्स जो बन रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर अब हमने इसके ऊपर लेड लगा के इसको दम पे पकाना है 10 मिनट तक, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें, जब यूँ बबल जाना शुरू हो जाए तभी आपने ढक्कन लगाना है, तो चावल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लंबे लंबे, और वो ज़्यादा चिकने भी नहीं बनते। और यहाँ पे मैंने सोचा चलें रायता इसके साथ हमने सर्व कर लेना है, तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था मेरे पास खुश्क पुदीना रखा हुआ है जिसको मैंने खुद ही ड्राई किया हुआ था, तो वो पुदीना मैंने थोड़ा सा ले लिया 1 टेबल स्पून के बराबर, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, साबुत काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, इनको कूट लिया और वो दही थोड़ी सी डालकर उसको मैंने पानी मिलाकर रायता बना लिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनता है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको रायते बनाना सिखाऊँ डिफरेंट किस्म के। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह पुलाव भी रेडी हो चुका है, और अब इसे हमने सर्व करना है। और ये मैं जो जितने भी मेरे वेजिटेरियन फैंस हैं उनके लिए मैं ये वेजिटेबल वीक मना रही हूँ, सारी सब्ज़ियाँ ही तकरीबन इस हफ्ते मैंने बनाई हैं जितनी भी रेसिपियाँ हैं,
तो ये मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, जो मीट लवर्स नहीं है या जो मीट नहीं खाते, स्पेशली हमारे इंडियन भाई, तो जो उनके लिए है ये स्पेशली। तो अब ये देख सकते हैं, इसको हमने आराम आराम से इस तरह से निकालना है। और इसकी काफ़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है, और बीच में मैंने इसको टेस्ट भी किया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। कितने ये सिंपल से हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बबल्स आने शुरू हो जाएं तो तब आपने उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के इसको दम देना है 10 मिनट के लिए। तो देखें, आपको नज़र भी आ रहे होंगे चावल, माशाल्लाह कितने लंबे लंबे दाने इसके बने हुए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी, सिर्फ इसी वजह से कि हम चंद टिप्स हैं, अगर उनका ख्याल रखें चावल बनाते वक्त तो कोई मुश्किल बात नहीं है और बहुत इजीली वो बन भी जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक आध दाना दिखाती हूँ, उप्स, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, तो इस तरह से। सो इसको अब मैं टेस्ट करके भी देख लेती हूँ रायते के साथ। वाओ माशाल्लाह,